नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग लगा रहे हैं इसरो के पेपर, तो इसरो के पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को इसरो के पेपर अच्छे लग रहे होंगे, और लगातार इन पेपर्स को सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक कर जाते रहिए, कमेंट में मुझे सजेशंस बताते रहिए, और आपका दोस्त आपके साथ हमेशा बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, आपको सफलता की ओर बढ़ाने में आपकी पूरी मेहनत करेगा। आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू अन अकेडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और लाइक शेयर तो आपको होना ही चाहिए हमारे लिए, और इंस्टा और फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। तो आपका अपने लेक्चर सीरीज़ इसरो के 2008 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 0 to -150 degrees C विल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर हमारा 0 to -150 degrees C होता है तो हमारे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी मेटल्स के, तो वो इंक्रीज कर जाएंगे, आपको याद रखना है। ट्रूथिसाइड इज ऑप्टेंड व्हेन, हमारा ट्रूथिसाइड जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज करते हैं, BCC से FCC, FCC से FCC, इस टाइप से, तो जब हम लोग क्विंच करते हैं स्टील को ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा ट्रूथिसाइड बन के आता है। ये मोस्ट स्ट्रेंथफुल फेरस मेटल है, ठीक है, फेरस मटेरियल है, ठीक है। इंडक्शन हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जो इंडक्शन हार्डनिंग होती है वो इज अ प्रोसेस ऑफ, किस टाइप की प्रोसेस होती है, द हार्डनिंग सर्विस फॉर वियर रेजिस्टेंस। हैवी वाटर यूज इन एटॉमिक पावर प्लांट्स एज, तो जो हैवी वाटर होता है वो एज अ मॉडरेटर यूज होता है एटॉमिक पावर प्लांट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट होंगे। Which one is not the purpose of heat treatment of steel? Changing the composition of steel on the surface, changing the percentage of carbon and Si in the bulk. बिल्कुल सही जवाब है, मतलब जो हम लोग कार्बन ऑफ चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड Si इन द बल्क, ठीक है। फिफ्थ का बी। सिक्स, अ कोल्ड सीजल इज मेड ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए जो कोल्ड सीजल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील। A body which is permanently deformed is said to have undergone elastic deformation, limit of elastic deformation, plastic deformation and uniform deformation. अगर plastically बोल रहा है तो plastic deformation होगा, अगर elastically बोलता तो elastically deformation होता। The defect responsible for the phenomena of slip by which most of the metal deform plastically is known as fracture, twinning, dislocation and strain hardening. तो आपको याद रखना है, dislocation के वजह से स्लिप अकर होती है और प्लास्टिकली मेटल डिफॉर्म होते हैं। बोल रहा है यहाँ पर, विद अ पंच फॉर द मैक्सिमम क्रूजिंग स्ट्रेस इज 4 times द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द प्लेट, द बिगेस्ट होल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट वुड बी द डायमीटर ऑफ। तो आपको याद रखना है हमेशा, इसमें बोल रहा है जो सिग्मा है क्रूजिंग स्ट्रेस 4 into tau है, तो जो F होता है फोर्स अपॉन पाई बाई 4D square, ये होती है सिग्मा की वैल्यू, ये होता है फोर्स इंटू एफ अपॉन टाउ, के लिए होता है πdt, मतलब जो यहाँ पे एरिया होता है वो πdt होता है, यहाँ पे एरिया ये होता है। अब हमें 4 into हो गया, अब F से F कट गया, है ना, D से D कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो D आ गया वो किसके बराबर आ गया, T के बराबर आ गया, जो डायमीटर है वो थिकनेस के बराबर होगी। अगला, फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन द टाइप ऑफ मोटर बेस्ट यूज्ड बेस्ट सूटेड इन, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन शायद पहले भी मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर डायरेक्टली होता है 10th का D सीरीज मोटर, ठीक है। ऑन लोडिंग अ डक्टाइल मटेरियल इन एक्सेस ऑफ अ सर्टेन वैल्यू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एलोंगेशन अकर्स विद टाइम, सच फिनोमेना इज नोन एज, ठीक है। क्या कह रहा है कि लोडिंग करने पर डक्टाइल मटेरियल में ग्रेजुअल इंक्रीज एंड एलोंगेशन अकर विद टाइम होता है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो इस फिनोमेना को क्रीप कहते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए टाइम के साथ
काफ़ी लंबे टाइम के लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे आपके जो ऊपर की बीम होती है उसके मतलब किसी बीम के ऊपर आप एक पत्थर रख दो, है ना, तो कुछ टाइम बाद में ना एक टाइम के साथ बीम इस तरीके से एलोंगेट हो जाएगी। दिस इज़ अ क्रीप फिनोमेना। अ फेलियर अकर्स एट अ पॉइंट इन अ मेंबर व्हेन द मेंबर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन बाई एक्सियल सिस्टम स्ट्रेस सिस्टम रीचेज द शेयर स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन टेस्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू, क्या कह रहा है कि जो फेलियर हो रहा है मेंबर में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है ना बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के वजह से, ठीक है, ड्यू टू द इलास्टिक लिमिट, तो वो हम निकालते हैं गैस थ्योरी। इसका पूरा नाम होता है गैस्ट एंड ट्रिस्का थ्योरी। द फंक्शन ऑफ वॉशर, तो आपको पता होना चाहिए जो फंक्शन ऑफ वॉशर होता है, फिल द एक्सियल गैप गलत है, टू प्रोवाइड कुशोनिंग इफेक्ट गलत है, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन गलत है। सबसे बढ़िया एरिया आंसर होता है टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया। सरफेस एंड्योरेंस लिमिट ऑफ केयर मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, तो अगर सरफेस एंड्योरेंस की बात आती है तो ये सरफेस हार्डनेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये सिर्फ एंड्योरेंस लिमिट होती है ना, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। अ डबल स्ट्रैप बट जॉइंट इज ऑलवेज इन, तो आंसर होना चाहिए डबल शेयर। जो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट होता है वो ऑलवेज डबल शेयर में होता है। 16th, इफ बाई बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² देन dy ओवर dx, तो टेन इनवर्स 2x को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये 16th है, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस x² में, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 - x². ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x². आगे बढ़ते हैं, रिवेट्स आर मेड ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए जो रिवेट्स होती है वो डक्टाइल मटेरियल की बनी होती है। 18, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल कॉलर्स ऑन अ फ्लैट कॉलर पिवट बियरिंग इज टू इंक्रीज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, गलत है, टू स्टेबलाइज सेल्फ सस्टेन बियरिंग कंडीशन, गलत है, डिस्ट्रीब्यूट द फ्रिक्शनल लोड बिकॉज ऑफ लिमिट फ्रिक्शन, गलत है, डिस्ट्रीब्यूट द एक्सियल लोड बिकॉज ऑफ लिमिटिंग बियरिंग प्रेशर ऑन अ कॉलर, मतलब इस टाइप के हम लोग मल्टीपल कॉलर्स लगा देते हैं बियरिंग में, जब यहाँ पे एक्सियल फोर्स आता है तो देखो पहले ये कॉलर को सहेगा, कुछ ये सहेगा, कुछ ये सहेगा, इस तरीके से फोर्स रिड्यूस हो जाता है और हमारी जो बियरिंग होती है वो बच जाती है। द एंगल ऑफ ड्वेल ऑफ कैम इज डिफाइंड एज एंगल, देखो जो एंगल ऑफ ड्वेल वो एंगल होता है जिसमें हमारा जो फॉलोअर होता है वो फिक्स्ड होता है और जो हमारा कैम होता है वो रोटेट करता है। कैम रोटेट बट फिक्स्ड, फॉलोअर फिक्स्ड, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन में, ठीक है, नहीं, सी ऑप्शन में, थ्रू विच द कैम रोटेट ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द फॉलोअर रिमेन्स इन हाइएस्ट पोजिशन, 19th का सी हो गया। द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूड टू द इंजन टू द सूट द लोड कंडीशन इज कंट्रोल्ड बाय, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नर के थ्रू हम लोग फ्यूल की सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं बाय एरिया को रिड्यूस और इंक्रीज करके, है ना, तो ये लोड के हिसाब से फ्यूल को देता है, जैसे लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। अब पेंटोग्राफ इज अ डिवाइस टू रिप्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑन एनी स्केल। 22, इन केस ऑफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट द प्लेन ऑफ स्पिन गायरोस्कोपिक कपल एंड प्रिसीजन आर, तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, गायरोस्कोपिक कपल मतलब ओमेगा, ओमेगा पी और एक्टिव जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट है ACW, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर, तो पिस्टन एंड सिलेंडर इज अ लोअर पेयर, बाकी तीनों जो हैं ये रैपिंग है, ये दोनों हायर है। 24, तो आपके लिए बहुत इजी होने चाहिए, इसमें डायरेक्टली आप बी आंसर मार सकते हो, जैसे कैसे पिटॉट ट्यूब, तो फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर, बी का हो गया माइक्रो माइक्रोमैनोमीटर, तो माइक्रोमीटर का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है, पाइप बैंड मीटर है, अगर पाइप बैंड मीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है तो रेट ऑफ फ्लो के लिए, और वॉल प्रेशर टैप का यूज़ फॉल स्टैटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू अ वर्क बेस वर्क एट अ 20 पर आवर, मतलब जो बेस रेट क्या है 20 रुपये 1 घंटे का, टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द जॉब 2 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइप 3 आवर्स, इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, दिस इज नोन एज ई बराबर टोटल अर्निंग का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो, अब हमारे वैसे सिलेबस में नहीं होता है गेट एट के, इसलिए लिख लो याद कर लो ये फॉर्मूला है।
है ना। तो यहाँ पर जो आर है वो रेट है, ठीक है, जो टी ए है वो है एक्चुअल टाइम यार, जो लगने वाला टाइम है, ठीक है, और जो टी एस है वो है स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज टी एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20 बाई, अगर हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है पैसे में ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिखो 20 × 2 + 20/3 × 1, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल कर आएगा 46.67। यहाँ से वापस कहाँ चले गए हम लोग, हाँ, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल, देखो सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से होता है। देखो जेड इंटू जेड बार -2 + i z - 2 - 3 i z = 9 = 0 है, तो जेड को लिख सकते हैं x + iy और जेड बार को x - iy, ठीक है। और अब बस हम इनको मल्टीप्लाई आपस में कराओगे तो रिड्यूस और का ये क्वेश्चन बचती है x² + y² + 6y - 4x + 9 = 0। तो जब आप इसको और इसको डबल इक्वेशन मतलब x - a² + y - b² = r² बनाओगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3 आएगी और r की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो ये आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको इजी सॉल्यूशन में ही दे के रखा है। बाकी तो आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग तैयारी करो गेट वेट की, तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। हमें प्रीवियस ईयर को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, सारे आंसर चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, सॉल्यूशन हमें खुद निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्यूशन हम लगा के पूरा आपको दे दें, पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन बना के, तो आप क्या मेहनत करोगे उसके लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि जिससे आपको ईजी हो जाए समझना, आपको वे पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, आपको सॉल्यूशन नहीं रटना है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको बस तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 26 की तरफ जाएंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन टूल लाइफ, फीड एट डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली इसका आंसर पता होना चाहिए, 312, कटिंग स्पीड, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कटिंग स्पीड से पड़ता है, फिर फीड रेट से, फिर डेप्थ ऑफ कट से। 27 आ जाओ, गिवन द कटिंग स्पीड 9 m/min द रिटर्न टाइम टू कटिंग टाइम रेशियो इज 1:2, द फीड रेट 0.3 mm/stroke, द क्लियरेंस एंड ईच कट कट 25 mm एंड द प्लेट इज फिक्स 700 mm साइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, टूल नहीं है ये टूल है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिनिशिंग वन फ्लैट सर्फेस ऑफ अ प्लेट ऑफ साइज 700 × 300 mm इन अ शेप विल बी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, तो इसका मैं मतलब लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा। देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एन निकालना है, वी इंटू 1000 / L / 1 + λ, ठीक है। हमें वी दिया है 9 × 1000 लगाया है ना। अब देखो जो हमारा एल था हमारा 700, पर उसने क्या बोला कि 25 mm का क्लियरेंस है, तो हम यहाँ पर टोटल लेंगे 750 और इसकी वैल्यू 1.5 दी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे उसके बाद फॉर्मूला होता है टाइम का बी अपॉन बी मतलब विद अपन फीड रेट इंटू एन, तो एन पता चल गया, फीड रेट दिया, विद पता है, चलिए यहाँ से टाइम निकालो, 12.5 m/min आ जाएगा, ठीक है। 27th आंसर। 28 की तरफ चलते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल एंड 24 डिवीजन ऑन मेन स्केल, अब वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट बराबर लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बर्नियर, तो मिनिमम कितना था 0.5, बर्नियर पे कितने थे 25 थे, तो यहाँ से जब निकालोगे 25 के जाएगी 0.02 mm। स्टैंडर्ड टू बी यूज फॉर रेफरेंस पर्पस इन लेबोरेटरी द वर्कशॉप्स आर टर्म्ड एज वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
लेबोरेटरीज और वर्कशॉप के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट इज नोन एज वर्किंग स्टैंडर्ड्स फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड इज ठीक है सरफेस फिनिश तो आपको पता होना चाहिए सरफेस फिनिश होती है वो आती है एफ स्क्वायर बाई एट आर तो ये आर होता है नोज रेडियस और एफ होता है फीड रेट तो नोज रेडियस की कहीं बात नहीं की गई फीड की बात की गई तो यहाँ पर फीड एफ सही आंसर है इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाई स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बार आ चुका है ठीक है तो उसको रटा होना चाहिए 32 कर चुके हैं 33 पे आओ इलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल विथ रोटेटिंग सिंपल पॉइंट टूल इज कॉल्ड ठीक है हम लोग इनलार्ज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सर्कुलर होल को तो किससे करेंगे बोरिंग से करेंगे मतलब छोटे होल को बड़े होल में बना रहे हैं प्लग गेज आर यूज टू मेजर द डायमीटर मेजर द डायमीटर ऑफ होल्स इन द वर्कपीस चेक द डायमीटर ऑफ द होल्स इन द वर्कपीस एंड चेक द लेंथ ऑफ द होल्स इन द वर्कपीस तो आपको पता होना चाहिए प्लग गेज का होता है चेक करता है वो मेजर नहीं कर सकता प्लग गेज कुछ इस तरीके से होता है तो ये एक होता है गो एक होता है नो गो ठीक है तो ये डायमीटर को चेक करता है होल की सी बेसिक शाफ्ट एंड बेसिक होल आर दोज हूज अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन रिस्पेक्टिवली विल बी जीरो एंड जीरो मतलब शाफ्ट का अपर डेविएशन अगर देखो जो एक देखो कहीं जगह पे क्या देता है बेसिक शाफ्ट साइज बेसिक शाफ्ट या बेसिक होल तो बेसिक शाफ्ट के लिए अपर डेविएशन जीरो होता है मतलब अपर लिमिट जीरो होती है और लोअर लिमिट होल के लिए जीरो होती है द ग्रेटेस्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पहले भी बता चुका हूँ डायरेक्टली ये आंसर मारेंगे बिना पढ़े क्वेश्चन को भी 37th द डेंसिटी ऑफ एयर 10 डिग्री सी एंड 1 मेगा पास्कल एब्जॉर्बेशन इन SI यूनिट तो प्रेशर होता है हमारा रो आर टी के बराबर रो निकालना है प्रेशर दिया है हमारा 1 × 10^6 आर दिया है हमारा 0.287 टी दिया है हमारा 273 प्लस 10 इसको निकालोगे रो की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लोगे ईजिली 12.31 आ जाएगी बी हो जाएगा आंसर 38th इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेंड व्हेन द ब्लेड्स आर तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए बेंड्स अगर बैकवर्ड हैं तो एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगी 39 पर आओ इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पंप आर एज शोन इन फिगर व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सिस का देखो एक होता है ऑर्डिनेट और होता है देखो ये होती है जो बाई एक्सिस होती है वो हमारी ऑर्डिनेट होती है एक्सिस का होती है हमारी एक्सिस का तो इस ग्राफ के लिए हमारा जो एक्सिस का होगी वो डिस्चार्ज होगी 39 का सी अ रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट गैसेस विथ रो इतना इतना आउटर डायमीटर 50 सेंटीमीटर वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थ्रस्ट निकालना है तो थ्रस्ट की वैल्यू होती है हमेशा वो ए वी स्क्वायर ठीक है रो ए वी को लिख सकते हैं एम इंटू वी वी एम डॉट इंटू वी ठीक है मतलब मोमेंटम कह लो थ्रस्ट को चाहे तो रो पता है हमें कितना है 0.5 ए पता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर लिखाओगे पाई बाई फोर इंटू 50 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर को उसमें चेंज कर लो 22/4 इसको लिखोगे 1200 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लोगे निकालोगे जब इसकी वैल्यू तो 40 की वैल्यू हो जाएगी 141 पॉइंट इतनी आएगी पर 140 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हमारा क्लोज टू वाले पे जाएंगे फिर से पूछा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स यू एंड वी सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पहले बता चुका हूँ डेल यू वाई डेल एक्स प्लस डेल यू वाई डेल वाई बराबर जीरो करना है ठीक है तो इन चारों के लिए निकालो सेम तो जब आप निकालोगे तो 41 के लिए जीरो आएगा 42 द फ्लो ऑफ अ फ्लूड इन अ पाइप टेक्स प्लेस फ्रॉम देखो हमेशा फ्लो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है याद रखना है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ तो 42 का डी हो जाएगा 43 एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 14 किलोमीटर वेयर द टेम्परेचर इज -45 डिग्री सी द स्पीड ऑफ द प्लेन इज करस्पॉन्डिंग टू एम बराबर 2 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इफ आर बराबर 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन एंड द गामा बराबर 1.4 तो हमें क्या बतानी है वेलोसिटी बतानी तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड बराबर अंडर रूट होता है मैक नंबर के तो मैक नंबर 2 है वी निकालना है
अंडर रूट, इसकी वैल्यू होती है गामा आर टी। गामा की 1.4 दी है, आर की वैल्यू 287 दी है, टेम्परेचर की वैल्यू दी है हमें 273 -45। इसको निकालोगे और उसके बाद जो मीटर पर सेकंड में आएगा उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना, तो किलोमीटर पर आवर में यूनिट आ जाएगी। तो 43 का जब निकालोगे आएगा 2127 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ से मीटर पर सेकंड आया तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 44 की तरफ चलो। पाइप वन ब्रांचेस टू थ्री पाइप्स शोन इन फिगर डिड दिस एजेस करस्पॉन्डिंग टू डिड दिस, देखो ये दिया हुआ है तो इसमें डायरेक्टली वेलोसिटी लगती है A1V1 बराबर A2V2। देखो जो एंट्री हो रही है A1V1, एग्जिट क्या हो रहा है A2V2 प्लस A3V3 प्लस A4V4। सबकी वैल्यू दी है देखो A1 A2 A3 A4 V1 V2 V3 V4 V2 निकालना है। तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो, इसमें यूनिट जब वैल्यूज़ वगैरह सारी पुट करोगे तो आएगा 35 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं 45। द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑन द टू साइड्स ऑफ द ओरिफिस मीटर गिव्स द रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। डिटरमाइन द प्रेशर हेड एन ओरिफिस टेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल इज 0.9। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया है, उसने बोला है कि जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब हमारा जो प्रेशर का लेवल है मरकरी में, मगर अगर हम उसे एच जी में लिखें, मतलब अगर हमारा मरकरी में हेड लिखा गया है तो वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब एच इन एच जी 50 सेंटीमीटर है, तो उसे ऑयल में लिखना है। ऑयल में लिखना तो कैसे लिखोगे, तो S1H1 बराबर H2H2 होता है। लिखो 50 इंटू एस कितना हो गया 13.6। एच इधर दूसरे वाले में ऑयल के लिए 0.9 है, उधर एक्स है, तो जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तुम, है ना, तो तुम्हारी आएगी 7.05। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट बराबर, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट को मल्टीप्लिकेशन को बराबर कर दो, ये फॉर्मूला लगा के। ये दिया है तुम्हें H1, S1 हो जाएगा मरकरी के लिए 13.6, ये दिया तुम्हें H2 निकालना था। अ ट्रांजिशन रेनॉल्ड नंबर ओवर फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेस 5×10^5, वॉट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एच एट विच द ट्रांजिशन विल अकर फ्रॉम द फ्लो ऑफ वाटर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। म्यू दिया है तो हमें 0.858×10^-6 m² per second। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एच, डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर बराबर VD/μ। ये दिया है तुम्हें 5×10^5 या डी एक्स लिख सकते हो। वेलोसिटी तो मैं दी है 1, म्यू दिया है तो हमें 0.858×10^-6 एक्स निकालना है, तो यहाँ से एक्स निकाल लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, आएगा 0.43 मीटर। बी 47 की तरफ चलो। अ पाइप ऑफ लेंथ L1 L2 ETC एंड डायमीटर D1 एंड D2 ETC आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अ सिंगल पाइप ऑफ लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 हैविंग सेम प्रेशर लॉस एज ऑल पाइप्स इन सीरीज विल हैव डायमीटर इक्वल टू। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए लेंथ इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला होता है L/D^5 इफेक्टिव बराबर L1D^5 प्लस L2D^5 प्लस L3D^5 D1 D2 D3। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर आ जाएगी एल ई कितना होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन ये वाला जो टर्म इसके नीचे जाएगा कि पावर 1/5। बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख रहे थे, आगे देखते हैं 48 की तरफ चलते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम गो फॉर द 48। लेट एक्स हैव द डेंसिटी फंक्शन fx बराबर इफ़ -1 to 1 दिस फंक्शन एंड अदरवाइज 0। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहता है -∞ to ∞ fx dx बराबर 1। ठीक है, तो हम इसको मतलब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फंक्शन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फंक्शन कैन बी रिटन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स -∞ to 0 fx1 प्लस -1 to 1 fx2 प्लस 1 to ∞ fx3। वो कह रहा है इससे फंक्शन -1 to 1 लाई करना और हमें निकालना है -1 to 1। तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया,
ठीक है, ये दोनों जीरो हो गए, तो बचा हुआ फंक्शन कौन सा बचा, ये बचा -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो हमें वैल्यू बस कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू बस -1 to 1 1/2 एफ एक्स जगह जाएगा 3/4 1 - x2 ठीक है डी एक्स, बस इसको इंटीग्रेट करना है। हमें -1 to 1 भी पूरा नहीं निकालना है, हमें -1 to 1/2 निकालना है। जब इसका निकालोगे तो आएगा 68.75। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करते आ रहे थे और आगे क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है 48 का आंसर आपने निकाल लिया है, आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। 49 द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज एज k0 1 + α t टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ अ 10 cm थिक वॉल ऑफ मटेरियल विल बी। तो देखो याद रखना है, इफ़ के नॉट जो कंडक्टिविटी है वो k0 1 + α t है, तो जो टेम्परेचर होगा वो मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एट टू एंड्स ऑफ द वॉल होगा। मतलब इसके यहाँ पर T1 था, यहाँ पर T2 था, तो इनका एवरेज कितना होगा T1 / T2 / 2, पर इसका जो टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर देन इससे भी होगा जो आएगा टेम्परेचर एट द ठीक है सेंटर। बट अगर ये k0 1 - α t होता तो ये टेम्परेचर लेस देन द एवरेज आता, और अगर ये k का k ही होता तो ये एवरेज होता। ठीक है समझ गए होगे। वॉट इज द नेट रेडियंट इंटरचेंज पर स्क्वायर मीटर फॉर एवरी वेरी लार्ज प्लेट एट टेम्परेचर 800 and 500। देखो स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, फॉर्मूला लिखाया था Q12 इफ इन वॉटन पर मीटर स्क्वायर σ T1 की पावर 4 - T2 की पावर 4 / 1 / ε1 + 1 / ε2 - 1। ये दिया है 0.8, ये दिया है 0.6, ये पता है, ये दिया हुआ है, T1 दिया है 800, T2 दिया 500। सॉल्व करो, आंसर निकालो, आंसर निकालोगे आंसर विल बी कम आउट टू बी 10.26 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 51 अ 10 kg ऑफ सॉलिड एट 100 °C विद अ स्पेसिफिक हीट 0.8 kJ पर किलोग्राम डिग्री सी इमर्ज्ड इन 40 kg ऑफ 20 °C लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 kJ/kg एस्टिमेट द टेम्परेचर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इफ कंटेनर इज इंसुलेटेड। तो हमें इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को या किसी सॉलिड को लिक्विड में इंसर्ट करा रहे होते हैं तो वहाँ पर डेल्टा यू हमारा ज़ीरो होता है, डेल्टा यू होता है हमारा mCp ΔT। ठीक है, और दूसरे के लिए हो जाएगा mCp ΔT बराबर ज़ीरो। ठीक है, पहला वाला सॉलिड क्या था 10 × 0.8 और टेम्परेचर कितने से कितना हो गया है ना 100 था, मतलब 373 मतलब माइनस एक्स हो गया है ना, प्लस दूसरे वाले के लिए आ गया 40 × 4 × 293 - t। यहाँ से जब t की वैल्यू निकालोगे तो ये सॉरी यहाँ पर t आ जाएगा t - 293, यहाँ से जब t की वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी द 47 °C। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 47 °C, बट कोई भी आंसर यहाँ से मैच नहीं कर, सॉरी 47 नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 273 + 290 = 3, 4, 24 आएगा। ठीक है 24 °C। अ स्फेरिकल शेप्ड वेसल ऑफ 1.4 m डायमीटर इज 90 mm थिक, फाइंड द रेट ऑफ हीट लीकेज इफ दैट फाइंड द टेम्परेचर। दिस सेम क्वेश्चन है 2008 में रिपीटेड है, उसको सॉल्व करा चुका हूँ मैं 2008 में, जिसने नहीं देखा है फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है Q = 4π k R1 R2 / R1 - R2 दिया है, R1 नहीं दिया है, मतलब देखो R1 मान लो अगर 0.7 मतलब ये डायमीटर है ना, तो D1/2 हो जाएगा ना R1, और T2 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 0.7 माइनस कितना थिक है 0.09 mm में थिक निकाला तो 0.61, ये आ गया तुम्हारा R2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, बहुत इजी है, लास्ट वाले में सॉल्यूशन करा चुका हूँ, अगर नहीं देखा हो तो जाके देखो, सी आंसर इसमें से 52 का सी आंसर आता है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू
53 की देखो, 53 देख लो, डेल वी बाई डेल टी वो टेम्परेचर, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इट विल कम आउट टू 1। 54 की तरफ चलते हैं। अ वेल इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग एयर इज हीटेड टू द डबल द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 150 डिग्री सी इन एक्सेस ऑफ इनिशियल, तो द अमाउंट ऑफ एयर लीक्ड पूछ रहा है। देखो हमेशा याद रखना है कितनी अमाउंट ऑफ एयर लीक हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी वन वी वन बाई टी वन बराबर पी टू वी टू बाई टी टू कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पी वन ही है, वी वन है, टी वन है, पी टू कितना हो गया है, टू पी वन हो गया है, वी टू यही है, और टी टू कितना हो गया है हमारा 150% हो गया, तो 1.15 टी वन हो गया है। तो टी वन कट गया, पी वन कट गया, यहाँ से बी टू आया 4/3 बी वन, ठीक है, सॉरी बी वन आया तो बी टू आया तुम्हारा, गलती हो गई, वी टू आया तुम्हारा 3/4 वी वन। ठीक है, अब वी टू आ गया, वी वन आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, वी टू माइनस वी वन बाई वी वन इंटू 100 निकाल लेंगे, तो इससे आ जाएगा कितना परसेंट एयर लीक हो गया, कितना वॉल्यूम कम हो गया। एंड अनकंस्ट्रेंट थिन सिलेंडर डिस्क हैज़ अ कॉन्सेंट्रिक होल इन इट ऑन हीटिंग द डायामीटर ऑफ द होल विल, तो अनकंस्ट्रेंट सर्कुलर डिस्क हैज़ कंसेंट्रेटिक होल इन इट द हीटिंग द डायामीटर विल बी, आई थिंक द डायामीटर विल बी, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका आंसर होगा डिग्री। आगे बढ़ते हैं, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द डायटोमिक गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज गिवन बाई आर बराबर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, एम बराबर मोलिकुलर वेट। तो 56 का आपको लगना है डायटोमिक गैस दिया हुआ है, डायटोमिक गैस के लिए इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है 5/2 आर बाई एम। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ डायटोमिक गैस के लिए। आगे बढ़ते हैं, 57 द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इनसाइड अ वॉल शोन बाई 3 डिफरेंट कर्व इन विच केस ऑफ थर्मल कंटेंट लीस्ट वेरीज विद द टेम्परेचर, वो कह रहा है कौन सा कर्व है जिसमें लीस्ट वेरी करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट रह रहा है तो इसके साथ ये लीस्ट वेरी करता है, इसके लिए के नॉट 1 प्लस अल्फा टी से वेरी करेगा, इसके लिए के नॉट 1 माइनस, इसके लिए के नॉट से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द, तो आपको रखना है ये, ठीक है, इसके लिए होता है 3/2 के टी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते 59 विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज, किस टाइप के होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्लॉज फ्लो टाइप के। 60 गिवन दैट नसल नंबर एन यू, रेनॉल्ड नंबर आर ई, प्रेंटल नंबर पी आर, सेरवुड नंबर एस, सिमुलेट नंबर गैस ऑफ नंबर जी आर, द फंक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए हमेशा एक मल्टीप्लिकेशन होता है नसल नंबर ग्रेस ऑफ इनटू प्रेंटल का। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -6 डिग्री टू -5 डिग्री सी इट इज नोन एज, तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, हमारा यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग हीट। द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बॉडी एट अ टेम्परेचर टी इज शोन इन फिगर, नाउ इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा पीछे की तरफ घटेगा, मतलब लैम्डा की टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हेन के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, टाउ इज द डेंसिटी, सीपी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, देन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी विल बी, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 63 का आंसर, क्योंकि एक डायरेक्टली फॉर्मूला है के अपॉन रो सीपी, टाउ को हम लो भी लिख सकते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, देखो सिंपल चीज़ है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, 7300 -6 -2001, देखो पहले इसको इसको और इसको छुपा के आगे लिख के ये लिखते हैं, फिर इस लाइन को छुप, सेकंड
ठीक है, फिर हम इस लाइन को छुपाएंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बचेगी, पर यहाँ पे जीरो है तो इनके कोफिशिएंट की वजह से ये तीनों जीरो हो जाएगा। अगली बार में जाओगे है ना, अगली बार में जाओगे तो देखो इसको छुपाओगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी दो में जीरो हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से 7 आ गया, और दूसरे में आ गया तुम्हारा 3, और आ गया यहाँ से -2। ठीक है, 7 21 2 42, 42 माइनस का हो गया। अगर आओ, सेम क्वेश्चन 2008 में करा चुका हूँ, जिसका आंसर है लार्जर हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट इन वाटर। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो सिंपल से बातें मैं क्वेश्चन बता दूँ। ये बोल रहा है कि हमारा 300 डिग्री सी का कॉपर वायर हम लोग 30 डिग्री वाटर में डालते हैं, तो 300 से 150 होने में वायर का टेम्परेचर 70 सेकेंड लगता है, बट बाकी बच्चे 150 से 30 होने में 200 सेकेंड लगते हैं, क्यों? रीज़न पूछा है। तो इसका रीज़न होता है लार्जर हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट इन वाटर। 66 पर आ जाते हैं, द हैवी ब्लॉक ऑफ द मास इज स्लोली प्लेस्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद अ स्पेसिफिक स्पीड विद या स्पीड वी, इफ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट इज म्यू, द ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द बेल्ट डिस्टेंस थ्रू थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए आप आराम से डायरेक्टली याद रख सकते हो, 66 का आंसर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, तो बी होता है। ठीक है, भी होता है। अ कार मूविंग विद स्पीड यू कैन बी स्टॉप्ड इन मिनिमम डिस्टेंस एक्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, इफ द स्पीड बिकम्स एन टाइम्स द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच द कार कैन बी स्टॉप्ड वुड टेक द वैल्यू। देखो सिंपल सा कैसा होता है कि एक्स बराबर क्या हो गया, मी स्क्वायर बराबर 2g हो गया। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर 2gx होता है ना। अब वो क्या कह रहा है कि स्पीड कैसी होगी, एन म्यू हो गई, एन यू हो गई, तो स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो जो एक्स डैश है वो कितना है, एन स्क्वायर एक्स है। 68 पर आओ, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड इज अ हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड एट द इंस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। ठीक है, देखो एक्स बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वी बराबर हो जाएगा ए ओमेगा, जो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। और ए ओमेगा कब आया, व्हेन टी इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ए ओमेगा टेम्परेचर इज द ए इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ए है वो ए ओमेगा वाई टू है, वाई टू है एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एट द इंस्टेंट ऑफ द पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी एम्पलीट्यूड इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड द इंस्टेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गया यहाँ पे, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि जो स्पीड है वो विथ एम्पलीट्यूड ए वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड है, मतलब ए ओमेगा बाई टू। ठीक है, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड का हाफ यही होगा, ये किसके बराबर है, कॉस ओमेगा टी है ना, तो टी बराबर यहाँ से ए से कट गया, ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कट गया, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से हो सकती है तुम्हारी, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तुम्हारी पाए बाई थ्री, जब इसको लिखोगे डिस्प्लेसमेंट में तो आएगा ए साइन पाए बाई थ्री, तो आ जाएगा एक्स बराबर रूट थ्री बाई टू है, भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स विथ मास एम एंड एम स्मॉल एम कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैवियर ब्लॉक द मास ऑफ एक्सेलरेट टू द डिस्टेंस ऑफ फोर द फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ठीक है, अब इसमें सिंपल फीडबैक डायग्राम का खेल होता है, अगर देखो फोर्स इसमें लग रहा है, अगर इसे हम टोटल को कॉम्बो में ले लें तो कितना जगह, एफ बराबर एम प्लस स्मॉल एम इन टू ए।
ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स और इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स इक्वल होने वाला है ना। तो कितना लगेगा इस ब्लॉक पर छोटा एल फोर्स, एम एफ अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, ये हो गया। द स्टोन ऑफ मास एम एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ वन इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन द स्टोन इज, तो एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, ठीक है। स्ट्रिंग की टेंशन कब मैक्सिमम होगी, जब स्टोन एट द बॉटम होगा, ठीक है, तब मैक्सिमम होगी, ठीक है। नहीं, यहाँ गलती हो गई, ये आंसर होगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर लगेगा एम जी एच प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर एट द टॉप, सॉरी। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लेन्स पी वन एंड पी टू इस के, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन दैम इज एस, फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी दैम बिटवीन दैम, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे याद रख सकते हो, इसके लिए टाइटली आप रख सकते हो वी वन अपॉन वी टू बराबर अंडर रूट जी वन अपॉन जी टू इन टू अंडर रूट वन बाई आर टू, ठीक है, आर वन बाई आर टू या पी वन बाई पी टू। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी पी वन बाई पी टू इसके द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज एस आर टू बाई आर वन है, सॉरी। तो ये हो गया एस अपॉन के, हो गया। अ कपल एम इज अप्लाई एट द सी ऑन द स्प्रिंग सपोर्टेड ए बी विद द मैक्सिमम शेयर, द मैक्सिमम शेयर, अरे सॉरी, द मैक्सिमम शेयर ऑन ए सी विल बी, तो मैक्सिमम शेयर कितना हो सकता है, देखो यहाँ पे लग रहा है टोटल लग रहा है एम, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है आर ए, यहाँ पे लग रहा है आर वी, तो आर ए प्लस आर बी बराबर जीरो। और अगर हम यहाँ पर मोमेंट को जीरो कराते बी पर तो आ जाएगा आर ए इंटू थ्री बराबर एम इंटू वन, तो आर ए बराबर आ जाएगा एम बाई थ्री, एम बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आंसर होगा डी। अ शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर डी कैपिटल डी एंड इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी सब्जेक्टेड टू अ लोड विद डब्ल्यू विद एन एसेंट्रिसिटी ई कॉजिंग जीरो स्ट्रेस एट एन एक्सट्रीम फाइबर द वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, पहले भी करा चुका हूँ 2006 के पेपर में, डी स्क्वायर प्लस डी स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन एट डी। जिसने 2006 का इसरो का पेपर लगाया होगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं लगाया है तो जाके मेरी सॉल्यूशन पीडीएफ में चेक कर लो। अ बीम ए वी इज एन हिंज सपोर्ट एट इट्स एंड एंड इज लोडेड बाई द कपल पी सी एस सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ एक्स बीम विल बी, है ना, एक्स पर पूछ रहा है कितना होगा शेयरिंग फोर्स, सेम क्वेश्चन है। मतलब देखो यहाँ पे मोमेंट कितना जनरेट होता है पी सी, और बराबर बराबर इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से पी सी बाई ट्वेल्व हो जाएगा। देयर आर टू बार्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल सेम मटेरियल, वन हैविंग स्टेप्ड डायमीटर एंड अदर हैविंग द यूनिफॉर्म डायमीटर, इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ द बार सेम द स्टोर्ड एनर्जी विल बी, है ना, तो आपको याद रखना इक्वल इन बोथ, मतलब एक इस टाइप का बार है स्टेपल्ड और एक सीधा यूनिफॉर्म है, अब दोनों की स्टोर एनर्जी बोथ इक्वल इन बोथ होता है। द गिवन फिगर शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम ए बी सी डी इज दिस, बेंडिंग मोमेंट ऑफ द पोर्सन ऑफ बी सी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। 77 का आंसर यहाँ से देख लो, डायरेक्टली आपको दिखेगा डी आंसर है, फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द मोर सर्किल पूछ रहा है। 78 आओ, फॉर द केस ऑफ सिलेंडर कॉलम ऑफ अ लेंथ एल एंड फ्लेक्चुअल रिजिडिटी ई आई बिल्ट इट एंड एट इट्स एक्सिस एंड फ्री एट द टॉप, ठीक है, इस टाइप से है, तो यहाँ पर जो लैंग इफेक्टिव होता है वो 2L के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 78 का हो जाएगा डी आंसर। व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स शेयरिंग फोर्स द शेयरिंग स्ट्रेस इन द अपर फाइबर विल बी, ठीक है, क्या लग रहा है ट्रांसवर्स शेयरिंग फोर्स लग रहा है, तो शेयर स्ट्रेस इन द अपर फाइबर विल बी पूछ रहा है, तो
तो अपर फाइबर विल बी ज़ीरो, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। एंगल मेड बाय 2i-3j प्लस 4k विद द जेड एक्सिस, मतलब विद द जेड एक्सिस करना है ना, तो एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखो 2i-3j प्लस 4k इंटू 0i प्लस 0j प्लस 1k अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4y-29। थीटा वाला 80 का हो जाएगा ए आंसर। तो अभी तक का लेक्चर इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोके बिना मत जाइएगा, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब में कॉन्फिडेंस देते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।